ताके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। यह दौलत है भगवान श्री गिरधर गोपाल भगवान की कृपा से आज व्रत 84 कोस यात्रा का तृतीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान बांके बिहारी की मैत्री अनुकंपा से हम लोगों के मध्य में भानुपुर पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज महाराज श्री जी आशीर्वचन देने के लिए आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के मध्य में पधारे हैं। आज हम लोगों की यात्रा प्रारंभ होगी मानसरोवर बेलवन जहाँ लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है, भांडीर वन जहाँ पर श्री राधा रानी का भगवान कृष्ण के साथ ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया था। आज 11 बजे हम लोग भांडीर वन पहुंच जाएंगे, वहाँ विवाह का बड़ा सुंदर उत्सव किया जाएगा, बंगला सजाया गया है, आज वहीं भंडारा होगा और भोजन प्रसाद के बाद हम लोग रमण ऋषि के लिए प्रस्थान करेंगे। आज लाहू जी का मंदिर और रमण ऋषि में 84 खंभा, ब्रह्मांड घाट, माखन चोरी और पूज्य गुरुशरणा नदी महाराज के आश्रम का दर्शन आज हम सभी लोग करेंगे तृतीय दिवस में। अब हम लोग यहाँ के जो मुख्य सेवाधिकारी हैं श्री खेतान जी और उनके धर्मपत्नी सरला जी, उनसे कहेंगे हमारे वैदिक ब्राह्मण महाराज जी का तिलक करेंगे और हमारे इस यात्रा के यजमान श्री राजू चौधरी, अशोक टेकरीवाल, संदीप अग्रवाल और राम अवतार केडिया, विवेक दीवान, ये लोग भी आ जाए और महाराज जी का सम्मान करें। महाराज जी के अर्चन के बाद हम सभी लोगों की अभिलाषा है महाराज जी का कुछ आशीर्वचन प्राप्त हो और उसके बाद हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे। कुछ दूर पूज्य महाराज जी भी हम लोगों की यात्रा में शामिल रहेंगे ऐसा मेरा मानना है। वेदांत उत्पत्ति स्थिति नाश हे ममलम विश्वस्य विश्वात्मकम् विश्वस्य त्राण परायणम् श्रुति सतै संप्रोच्यमानम् प्रभु मूर्ति ममलम् शुद्धात्मकम् तम शुद्धात्मकम् तम् भजे।
सत्य प्रकम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यते सत्यस्य सत्यते सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम् गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहः विष्णुं रुद्रं शिवं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वती नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयं देवीः वंशी विभूषित करान नवनीरता पीतांबरा करुण बिंब फला दुरुष्टा पूर्णे सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किम तत्त्वमहं न जानामि कृष्णा परम किम तत्त्वमहं न जानामि कृष्णा परम किम तत्त्वमहं न जानामि सर्वचैतन्य रूपां ताम आद्यां देवीं विद्यां च धीमहि बुद्धि न प्रचोदयात् सर्वचैतन्य रूपां ताम आद्यां देवीं विद्यां च धीमहि बुद्धि न प्रचोदयात् सर्वचैतन्य रूपां ताम आद्यां देवीं विद्यां च धीमहि बुद्धि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्यनंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद धर्म अधर्म का प्राण हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव मुंगेर से पधारे हमारे स्वामी कृष्णानंद जी के सन्यास गुरु श्री स्वामी जी महाराज स्वामी कृष्णानंद जी स्वामी मुक्तानंद जी उपस्थित सभी दिव्य आत्मा मैं तो श्री कृष्ण गोविंद करे मुरारे ही लिखना चाहता था प्रिय वृंदावन जिसके खुद चैतन्य महाप्रभु ने की थी तो उन्होंने अपने आप जब ये हमारी संप्रदाय में नहीं गया हाँ हाँ हमारे यहाँ नहीं गया सत्य बात तो ये है पर पता नहीं कहाँ से
श्री कृष्ण गोविंद की जगह चैतन्य ने तो वृंदावन लुप्त हो गया और इसकी खोज अगर की तो चैतन्य महाप्रभु ने और श्रीमद् भागवत यदि प्रचलित है तो वो भी कृष्ण ये भी चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। उनसे उनके शिष्य ने कहा क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय की प्रतिष्ठापना हो रही थी कृष्ण चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय, उन्होंने कहा आचार्य जब तक नहीं होगा जब तक ब्रह्म सूत्र पे भाष्य नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र का अमल्य मन रहित भाष्य श्रीमद् भागवत का कुछ है तो श्रीमद् भागवत है। तो उनके शिष्यों ने कहा श्रीमद् भागवत पर भाष्य करें। उन्होंने कहा श्रीधर स्वामी की भाष्य होते हुए श्रीमद् भागवत पर दूसरे भाष्य करने की आवश्यकता ही नहीं। 84 कोष की आप लोग यात्रा कर रहे हैं। हमारे यहां एक श्लोक कहा रहा प्रतीक्षणा वो विधा है यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च सर्वैः नाश्यन्ति प्रदीक्षणां पदे। हम किसी भी देव की प्रदीक्षणा करते हैं तो प्रदीक्षणा मात्र से हमारे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस जीवन के नहीं, यानी कानी च पापानि कभी भी किसी भी प्रकार से किए हुए पाप जन्मांतर कृतानि च जन्म जन्मांतर में कोई भी हमारे पाप हुए हुए तानि सर्वाणि विनश्यन्ति वो सारे के सारे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। प्रदीक्षणा पदे पदे जब हम एक एक पद आगे बढ़ते हैं वो सब नष्ट नष्ट हो जाते हैं। एक और बात हिंदी में कही गई संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जो जो पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ से। आप लोग वृंदावन आए हैं महात्माओं के साथ प्रदीक्षिणा करेंगे तो अब तक के किसी भी जन्म जन्मांतर में हुए हुए कोई भी दुष्कृत्य अगर हमसे हुए हैं तो सारे के सारे इसी क्षण समाप्त हो जाएंगे और वृंदावन से जब आप लौटेंगे तब निष्पाप होंगे। 84 कोस यात्रा करने के बाद आप बिल्कुल निष्पाप लौटेंगे पर संकल्प करके जाए उन्हें कोई हमसे दुष्कृत जीतेंगे ना। मैं स्वामी जी ने तो मुझे कार्ड दिखाया था केवल यात्रा का। पूज्य बाबा जी हमारे बैठे हुए हैं ज्ञान हैं वायुवृत्त हैं इनके एक यज्ञ में जो परमेश्वरी की शक्ति की उपासना में किया जा रहा था उसमें मैं भी शरीक हुआ था। स्वामी जी भी शरीक थे आनंद जी भी थे। उन्होंने कहा हम 84 लाख की 84 योजन की यात्रा कर रहे हैं ब्रिज की। हमने कहा हम पूरे दिन तो नहीं आ सकते मेरा पूरे का पूरा कार्यक्रम बना हुआ था कल तक मैं अमला था और कल मुझे भागलपुर रहना है। मैंने अपने ब्रह्मचारी से पूछा भाई भाई किसी तरह से कुछ हो सकता है। उन्हें कहा 18 तारीख की संध्या आपकी ट्रेन है और 17 को कार्यक्रम अंबाला में 3 बजे तक पूरा हो जाएगा। हमने कहा 3 बजे चलते तो
तीन के बजाय 3:15 बजे चल गए। एक ने मुझे करनाल में घेर दिया, उस समय वहां पर किया, नहीं तो मैं 8:30 बजे यहाँ एक घंटे एकदम से पहुंचा, किंतु 4-5 कदम भी आपके साथ चलूंगा तो निश्चित रूप से मेरी की प्रतिक्रिया भगवान श्री कृष्ण मान लेंगे। इस भाव से मैं यहाँ आया और मैंने उनसे कहा मैं इस यात्रा में थोड़ी देर के लिए शरीर करूंगा, स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं, थोड़ी दूर चलूंगा, तथापि आचार्य पद पर होने के नाते आप सबको इस यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, निर्विघ्न परिसमाप्ति की शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी देवी एवं उन्नति हो। ओम शक्ति। हम लोगों को आशीर्वचन दिए और करुणा का स्वरूप, कृपा का स्वरूप जो हम लोगों ने देखा, 5 घंटा कल अंबाला से बाई रोड चल करके आए, शरीर पूर्ण स्वस्थ न होते हुए भी आज ही दिल्ली से उनकी 4 बजे जाना है भागलपुर, फिर भी इतना अपना कृपा के स्वरूप में यहाँ पर पधारे। हम लोग बहुत बहुत अनुग्रहित हैं, उनकी कृपा है और वो कृपा हमेशा रहेगी ही, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। भगवान ने मुझे बुला लिया, ये भगवान का अनुग्रह है मेरे ऊपर। जी जी, भगवान का अनुग्रह आपके द्वारा हम लोगों को मिल रहा है।
तो वो रूट करके यहाँ पर आकर बैठी है और विरह में उन्होंने अस्त्रपात किया है, उनसे ये कुंभ का निर्माण हुआ। एक लीला तो ये है और दूसरी कैलाश मानसरोवर जो है उसका यहाँ पे पास है, इसलिए इसका नाम मानसरोवर। राधा जी मुठी बांध करके एक ये है और एक ये मानसरोवर जो कैलाश मानसरोवर वाले उनका भी यहाँ।
पार्क भेजो, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, ब्रज के आसपास के गांवों के लोग यहाँ पर आते हैं। जब आपने देखा होगा अभी जब लौट करके जाएंगे, देखिए झूले दुकानें, बहुत बड़ा मेला लगता है। ये ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा जैसे महाराज श्री का परम शुद्ध से विभूषित स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है, उस ट्रस्ट के द्वारा ये अब दोबारा बन रहा है। बहुत ही दिव्य भव्य मंदिर ब्रज विकास ट्रस्ट द्वार में से आप आई है। जब लौट करके जाएंगे तो दोनों तरफ मेला क्षेत्र है, उधर के बाद यमुना है, तो राधा रानी आती है वृंदावन में रासलीला के लिए, तो रासलीला के उस क्षेत्र की स्वच्छता के लिए लक्ष्मी आती है, और लक्ष्मी देवी आकर के और फिर सेवा करके लौट करके यहाँ आकर रहती, इसलिए बेलवन जगह का नाम है। बकौल डॉक्टर श्री मुक्तानंद जी महाराज, ये अपने भाव से नहीं बोल रहा हूं, बकौल डॉक्टर मुक्तानंद जी महाराज के द्वारा एक नई खोज हुई है अभी केवल 10 मिनट पहले, और रानी के आज्ञा से लक्ष्मी जी को लेकर के यहाँ पर आए और किस भी जगह का नाम है बेलवन। ये डॉक्टर मुक्तानंद जी महाराज के संदर्भ से
उल्लेख करते हुए कहा है कि राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन, राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरि गोवर्धन और मधुर मधुर वंशी बाजे एक रानी कृपा कर देती है। मैंने कहा राधा रानी कृष्ण भगवान की तो कृपा है, उनके लिए वंशी मृदंग झांझ ढप ढोल इत्यादि वाद्य यंत्रों की भी सुनाई पड़ती है, लेकिन जिनको सुनाई न पड़े वो ये मत सोचिए कि हमको सुनाई नहीं पड़ी। आपके लिए भगवान की और गुरुदेव की वाणी में और संतों की वाणी में जो दर्शन और जो आपके लिए उनकी वाणी सुनाई पड़ रही है वो किसी वंशी से कम नहीं है। और मेरा एक निवेदन और है, ऐसी ऐसी विभूतियों के संग में आप यात्रा कर रहे हैं, जिस तीर्थ पर जाए वहां चाहे 2 सेकंड के लिए बैठिए जरूर, और बैठने के बाद उठ जाइए फिर चलिए।
यार।
रसीली बन जाऊंगी रसिया की रसीली बन जाऊंगी काना मेरो यमुना नावे मैं मछली बन जाऊं काना मेरो यमुना नावे मैं मछली बन जाऊं मछली बन के मैं काना के चरणों से लग जाऊं चरणों से लग जाऊंगी चरणों से लिपट जाऊंगी चरणों से लग जाऊंगी चरणों से लिपट जाऊंगी कनी बन जाऊंगी काना मेरो माखन खावे मैं मिसरी बन जाऊं काना मेरो माखन खावे मैं मिसरी बन जाऊं मैं मिसरी बन जाऊंगी मैं मिसरी बन जाऊंगी काना की दीवानी बन जाऊंगी काना की दीवानी बन जाऊंगी रसिया की रसीली बन जाऊंगी काना मेरो रास रचावे मैं गोपी बन जाऊं काना मेरो रास रचाऊंगी मैं गोपी की दीवानी बन जाऊं Thank you.
अमृतत्वमानसुः परेणनाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगाद्यतय शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके गुह्यान्तकाले परामृताद्वरिमुह्यन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेश्वरभूतयत्कुण्डलीकं पुरमद्य सद्गुस्तम् तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिस्य परस्य महेश्वरः शाखाध्यायी रविशास्त्री अम्भो अभिवादये